घर, ये पता नहीं उसका घर है अभी कि नहीं, पर हमने टैंकी टापे लेने आए फ्रिक्सी के जेन्युइन। अब जब वो टैंकी टापे हमें मिल जाएंगे फिर हम वापस जाके जो है उसको जेन्युइन वापस करेंगे। मतलब ये कि शौकिया बंदे को नहीं दिया वो जिसके हाथ में भी गई है ना, बहुत गंदी हालत हुई है। अभी पैंपर बनाने लगे हुए हैं भैया, वो भी टायर को पैंपर बना रही है शॉपर। मेरे हाथ में शॉपर के अंदर लोग चावल डालते हैं, हमें शॉपर के अंदर जो है वो टायर डालेंगे। मैंने तो पंगा करना है, देखो मुझे नहीं पता क्यों करना है, बट वी आर लिविंग इन अ जनरेशन वी आर मॉडिफाइंग जेंडर्स आर लीगल बट बाइक्स। चिमटा यार रिजवान से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि उस चिमटे का रेट उसका सबसे बेहतर है। इनसे बेहतर अपडेट आपको वहीं पे देते हैं करने के लिए। ये लगे हैं कि इसका टायर उतारेंगे, ठीक है बस भाई को वैसे 125 करीम चाहिए था, तो मैंने कहा 125 करीम मेरे से ले लो, 70 करीम मुझे दे दो। हाँ तो भाई एक दफ़ा फिर से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं, और आज का सीन ये है कि यार देखो सबसे पहले रुको मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि हुआ क्या। फ्रिक्सी ना मैंने कुछ टाइम पहले जो है ना वो थी बेच दी थी, मतलब मैंने फ्रिक्सी, पर यार सॉरी टू से पर जिस भाई ने भी फ्रिक्सी को रखा ना, कह के तो बड़े दिल से लेकर गए थे पर दिल से रखी नहीं गई। मैं तुम लोगों को फ्रिक्सी की हालत दिखाता हूँ। खैर मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैंने वापस क्यों ली। वापस लेने का मकसद मेरा मेन ये था कि यार फ्रिक्सी को मैं वापस ले आऊँगा, फ्रिक्सी को मैं कर दूँगा स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक क्यों करूँगा, क्योंकि यार स्टॉक बाइक होना ज़रूरी है जब आपके पास दूसरा बाइक होता है। अब दूसरे बाइक की अपडेट मैं तुम लोगों को देता चलूँ। अब होने लगे हैं दो बाइक्स, ठीक है। एक बाइक होगा जो कि मतलब होगा ही स्पोर्ट्स लीग का, और एक बाइक वो होगा जो कि यार मतलब ना प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो अब जो प्रोजेक्ट बाइक है वो तो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने लगे, लेकिन फ्रिक्सी की हालात में तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरह के। चेक करो टन टन यार, सॉरी टू से जिस भाई ने भी रखी है ना यार बड़ी गंदी करके, अब दिल से नहीं रखी है, धोना तो चलो अलहदा बात है, पर अब वैसे देखो एक दफ़ा इसको। आप लोग खुद बताओ यार, आप लोगों ने पहले ये बाइक देखी हुई है, ये तार मैंने कल ठीक किया है, प्लस ये चेक करो भाई जान, ऑटोमेटिक शॉर्टी लीवर बना है, ऑटोमेटिक शॉर्टी लीवर सही है। स्टैंड तो चलो मैं मान सकता हूँ, ये देखो और ये चेक करो, वायरिंग शायरिंग फुल आउट। ये भाई ने काम किया कि भाई ये लगवा दिए थे क्योंकि अभी मुझे चाहिए होंगे, बट उसके अलावा लू चेक दिस, चेक इट आउट, चेक 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 कर मुंडे दी तू गेम, चेक कर चेक करो। सर अब सबसे पहले करना है इसको वॉश, फ्रिक्सी को वॉश करूँगा। वॉश करने के बाद भाई जान जाऊँगा उसका सामान वगैरह लेने, क्योंकि यार टैंकी और कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि सिर्फ अभी तक भाई के पास नहीं, तो मैं आज उनके घर जाऊँगा वो चीज़ें वापस ला के फ्रिक्सी को हम करेंगे वापस से स्टॉक। स्टॉक करने के बाद भाई जान उसको वापस से हम वैसे ही बना देंगे जैसे कि वो पहली थी, और नया प्रोजेक्ट कौन सा है वो आप लोगों को बहुत जल्द पता चलता जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और समझ रहे हो बात को, लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। खान भाई जो है वो कह रहे थे बाइक को लटा दो ताकि, क्योंकि इसके टायर पर घूमेंगे नहीं, इसका डबल स्टैंड नहीं है। मैं कह जी मैं घर से जा कर ना दूसरा स्टैंड ले आता हूँ, ठीक है, जो स्टैंड इसका अलहदा से पैडॉक स्टैंड है, अब वो लेने जा रहा हूँ। ये चेक करो जी फुल A1, खान साहब ने लश पश कर दी हमारी मोटरसाइकिल ना दोबारा से, धुल गई है ना, इतनी प्यारी लग रही है अब कि साफ़ हो गई है फुल। इसको लेके यहाँ से वापस घर चलते हैं, घर जाके फिर इसके दूसरे दोबारा सामान लेकर आते हैं, सामान लेकर आके इसको जो है वो स्टॉक करते हैं। ये जी भाई जान बाइक को दोबारा से हमने सारा खोल दिया, ठीक है, जेब मेरी वाह भारी पहाड़ी है इस चीज़ पर। ये हमारे रिजवान भाई हैं, रिजवान भाई कह रहे हैं इंजन पूरा ओवरऑल रहेगा, क्यों रिजवान भाई? यही बात है। कितना खर्चा आएगा? कम से कम और 10,000 रुपये कहीं भी नहीं गया। 10,000 सिर्फ इंजन पे, बाकी सारा सामान ओवरऑल इस पे कोई 16-17,000 आराम सुकून से आएगा। तो भाई जान ये तो बिल्कुल जेब पे भारी पड़ गई, वापस लेना क्यों जी? ओके भाई ये ऐसे ही होता है। हाँ जी मैंने बता दिया आपको। ये इंजीनियर साहब हमारे ये बता देते हैं। ये हमारे मेरे भाई इतनी दोबारा चेंज करवा रहे हैं। अब बिल्कुल जेन्युइन कार है। क्यों भाई? बस यार जेन्युइन कार है, हम जेन्युइन होनी चाहिए ना। ये बात है। ये जी फुल जेन्युइन होने लगी है फ्रिक्सी। ये रिजवान भाई की दुकान है इधर, ये रिजवान भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनकी दुकान की लोकेशन यार ये यूसुफ कलोनी 3 नंबर गली से नीचे उतरोगे ना ये बिल्कुल यहाँ पे, अगर तुम लोगों ने काम कराना ना चिकन शॉप के साथ आके रिजवान भाई को कॉल कर सकते हो, ठीक है रिजवान भाई?
डिस्काउंट देना बासित भैया आज आए हैं हमारी हेल्प के लिए सिर्फ, ठीक है, टू द रेस्क्यू, अपना जेन्युइन 70 लेके साथ भाई जान है। ये अब हम आए हैं एक बंदे के घर, ये पता नहीं उसका घर है अभी कि नहीं, पर हमने टैंकी टापे लेने आए हैं फ्रिक्सी के जेन्युइन। अब जब वो टैंकी टापे हमें मिल जाएंगे फिर हम वापस जाके जो है उसको जेन्युइन वापस करेंगे, जब जेन्युइन हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखा देंगे। लेकिन यार जिसने भी इस्तेमाल किया ना भाई, दिल से कह रहा हूँ यार, आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, आपको बुरा लगता है? दिल से बुरा लगता है यार, ये भाई ने खुद देखी है, बताओ यार कुछ क्या थी, मतलब ये कि शौकिया बंदे को नहीं दिया, वो जिसके हाथ में भी गई है ना, बहुत गंदी हालत हुई है यार। ये हर बंदा कह रहा है, एक हो गया, दूसरा भाईजान आपने भी देखा, खुद जज कर लो, तस्वीरें आपको मैंने दिखा दी हैं। ये देखो यहाँ पे भी हम खुद ही करने लगे हैं सारा सिस्टम, और थैंक्स टू बासित साहब जो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। बासित भाई का भी चैनल है, आप लोग जाके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये बासित भाई की बाइक, ओ जरा स्नीक पिक नहीं दिखानी, जरा समझ रहे बात, ये कुछ आ रहा है बड़ी वेरी सून इन गेम आ रही है इसका। अब हम करने के लिए ये लगे हैं कि इसका टायर उतारेंगे, ठीक है। बासित भाई को वैसे 125 का रिम चाहिए था, तो मैंने कहा 125 का रिम मेरे से ले लो, 70 का रिम मुझे दे दो, उससे ये होगा कि जो टायर है ना ये इनका और चौड़ा लगेगा, जब 125 का रिम इस पर लग जाएगा तो ये और ओके हो जाएगा। इनको चाहिए था ना हमारे, मतलब 0 रुपीज़ लगेंगे किसम के, समय रिम के ऊपर ना इनके लगेंगे ना मेरे लगेंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तब कोशिश ये है कि यार यहाँ से एक दफ़ा जो ही फारग होते हैं, असल में खबारी इतनी हो रही है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना भी ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक दफ़ा मैं टायर शायर ले लूँ ज़रा, मरी रोड का सफ़र वगैरह टाइम लैप्स तुम लोग इन्जॉय कर लेना, वीडियो में थोड़ा पीछे म्यूज़िक लगा के तो ओके कर दूँगा, तो तुम लोग ये भी इन्जॉय करो, हम यहाँ से निकल लें, ये हो जाए तो फिर हम मिलते हैं। अभी पैंपर बनाने लगे हुए हैं भैया, हम वो भी टायर को पैंपर बना रही है शॉपर, मेरे हाथ में शॉपर के अंदर लोग चावल डालते हैं, हमें शॉपर के अंदर जो है वो टायर डालेंगे। और ये बासित साहब अभी समोसा बना के इसको पकड़ेंगे, पीछे टायर मैं पकड़ूंगा, फिर हम वापस घर की तरफ परवाज करेंगे और फ्रिक्सी को जो है वो स्टॉप करेंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, ब्लॉग लंबा हो गया, अगली सीरीज जो है वो सब्सक्राइब कर लो, अगला ब्लॉग उसके ऊपर आएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो। लाइक कॉमेंट करो, हाँ जी लाइक कॉमेंट, हाँ जी, और बासित भाई आप आने वाले हैं भाई, क्या कुछ कहना चाहें आप फिर भाई? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छी तरह ठोक के करो, और दूसरा ये है कि बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो बस अपडेट रही है। तो यार यही था अभी तक के लिए, हमारे पास शॉपर है, इसमें जाकर टायर शायर, अगला जो प्रोजेक्ट, अगला जो ब्लॉग होगा ना उसमें हम फ्रिक्सी को तकरीबन जेन्युइन कर देंगे, वो जेन्युइन होने पर ब्लॉग होगा। और अब धड़ाधड़ ब्लॉग, अब भाई ब्रेक नहीं लेने लगा, ठीक है, ये वादा तुम लोगों से, अब ब्रेक नहीं लूँगा, ब्रेक लूँगा तो आप लोगों ने बासित को मैसेज करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा टायर था वो उतरवा लिया, ये आप देख सकते हो, चेक करो, असल में टायर की चौड़ाई इतनी है, ठीक है, और जो 70 का टायर है ये आप देख सकते हो, ये वाला जो है फॉर सेल है, अगर किसी बंदे ने लेना है। ये क्या हो गया? अच्छा ये पानी का निशान है, बिल्कुल जेन्युइन टायर है, ठीक है, ये किसी ने लेना है तो इंस्टा पे DM करे @fairfly, ओके गुड, ठीक है, ये ब्रेक मैं नहीं लूँगा, ठीक है, और यही हम करेंगे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखो यार दुख सबको होता है, मुझे भी दुख हो रहा है फ्रिक्सी के जाने का, पर देखो एक चीज़ जाती है तब दूसरी चीज़ हम बना सकते हैं। फ्रिक्सी को जेन्युइन करने का मेन मकसद मेरा ये था कि यार इसको जेन्युइन करूँगा, घर वालों को दे दूँगा, काम शाम में आ जाएगी, ये भी होगा कि अपने पास है, और दूसरा ये कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस देखो क्या होता है।